हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएसएस इंग्लिश क्लासेस एंड इट इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ इंग्लिश सिलेबस फॉर क्लास 10th यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स। फर्स्ट पार्ट में हमने इस सिलेबस सेक्शन ए को डिस्कस कर लिया था और मार्क्स भी बताए थे, तो आज हम डिस्कस करेंगे इसमें सेक्शन बी जो ग्रामर पोर्शन है उसमें मार्क्स का डिविज़न। तो आप देखिए कि इसमें ये भी 35 मार्क्स का होता है और इसमें सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन होता है उसमें ए बी सी डी इस तरह के पार्ट होते हैं और सबसे पहला पार्ट है रीऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, यानी कि वर्ड्स को सही ऑर्डर में रखना, और ये आपका 2 मार्क्स का आता है। इसमें एक सेंटेंस आता है, उसे आप कैसे समझेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये सेंटेंस है ही इज़ एन ऑनेस्ट स्टूडेंट, तो ये करेक्ट सेंटेंस है, लेकिन आपको वहाँ ये इस तरह से आएगा एन स्टूडेंट ही ऑनेस्ट इज, तो ये डिसऑर्डर है, तो आपको कहा जाएगा इसको फ्रेम करो इन करेक्ट ऑर्डर, तो रीऑर्डर करके लिखना है आपको, रीऑर्डर करके इस तरह से सही लिखा जाएगा, तो ये होती है रीऑर्डरिंग। नेक्स्ट जो आता है इसमें आता है चेंज ऑफ सेंटेंसेस, जैसे अफर्मेटिव से नेगेटिव, असर्टिव से इंटरोगेटिव, एक्टिव पैसिव, ये सब इसमें आता है, और इसमें कोई एक सेंटेंस आपको आएगा जो कितने मार्क्स का होगा 2। फिर आता है नरेशन फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, ये भी कोई एक ही सेंटेंस आएगा आपको और इसके लिए भी 2 मार्क्स मिलेंगे। कंप्लीशन ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस को पूरा करो विद करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स, यानी कि वर्ब की करेक्ट फॉर्म गिवन इन द ब्रैकेट, जो ब्रैकेट में दी होती है, ब्रैकेट में एक फॉर्म दी होती है वर्ब की, जैसे डू या राइट इस तरह से, तो आपको उसमें भरना होता है, देखना होता है कि कौन से टेंस में हम इसको, कौन से टेंस की फॉर्म हम इसमें लगाएंगे, और इसके लिए 2 मार्क्स होते हैं, ये एक सेंटेंस आता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो पार्ट है वो है प्रिपोजिशन का, जो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है फिर आपका प्रिपोजिशन का, और यहाँ पे ये आपका ए और ये दूसरा बी सी और डी, इस तरह से सेक्शन होता है। प्रिपोजिशन का जो पार्ट है वो ए होता है, तो प्रिपोजिशन भी आपकी 2 मार्क्स की होती हैं। फिर कंप्लीशन ऑफ द सेंटेंस, इसमें एक सेंटेंस को पूरा करो, एक सेंटेंस दिया होता है जो अधूरा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको सेंटेंस दिया जाएगा आई डू नॉट नो, और फिर यहाँ पे इस तरह से कि आप इसे कंप्लीट करिए, तो ये आपको कंप्लीट करना होता है, ठीक है, तो इसे कहते हैं कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस, ये आपको खुद करना होता है। तो इसमें कंप्लीशन ऑफ द सेंटेंस भी 2 मार्क्स का है आपका। स्पेलिंग टेस्ट, स्पेलिंग टेस्ट में यानी कि आपको भरने के लिए दी जाएगी, स्पेलिंग फिल करने के लिए दी जाएगी, और ये 1 मार्क की होगी आपकी, और इसके बाद पंक्चुएशन जो है वो भी आपके 2 मार्क्स के होंगे। पंक्चुएशन में क्या आता है, फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, कोमा कहाँ लगाना है, क्वेश्चन मार्क कहाँ आएगा, ये सब होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो पंक्चुएशन भी 2 मार्क्स का होता है। इसके बाद ट्रांसलेशन आती है हिंदी इनटू इंग्लिश, यानी कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना होता है, और ये आप इसके लिए आपके 4 मार्क्स होते हैं। फिर लेटर राइटिंग, लेटर या तो लेटर या एप्लीकेशन, मतलब चॉइस आपको मिलती है तो आप उसमें से एक करते हैं, और इसके लिए भी आपको 4 मार्क्स हैं। फिर नेक्स्ट है डेवलपिंग लॉन्ग कंपोजिशन ऑन एनी वन टॉपिक इन अबाउट 60 वर्ड्स, यानी कि इस ये ऐसे है आपका कि कोई भी 60 वर्ड्स में किसी भी टॉपिक पर आप एक लंबा सा, थोड़ा 60 वर्ड्स में लंबा कंपोजिशन यानी कि ऐसे लिखिए। पॉइंट्स शुड बी गिवन फॉर ईच टॉपिक फॉर डेवलपिंग द कंपोजिशन, और पॉइंट्स उसमें दिए होते हैं आपको, एग्जाम में जो पेपर होता है उसमें पॉइंट्स दिए होते हैं। मान लीजिए अगर फादर के ऊपर ऐसे आ रहा है या माई मदर के ऊपर ऐसे आ रहा है, तो उसमें सारे पॉइंट्स दिए होंगे कि इन किन पॉइंट्स पर आपको लिखना है, इंट्रोडक्शन, हर पर्सनैलिटी या हिज पर्सनैलिटी, इस तरह से, तो इसके लिए 6 मार्क्स होते हैं। फिर अनसीन पैसेज होता है, अनसीन पैसेज में आपको 6 मार्क्स मिलते हैं, बहुत ही स्कोरिंग है। इसमें 2 क्वेश्चंस आते हैं जो आपको पैसेज से फाइंड आउट करके लिखने होते हैं, और 1 क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, 3 मार्क्स का होता है, तो बहुत ही स्कोरिंग है। और ये प्रोजेक्ट वर्क और इंटरनल इवेल्युएशन, तो ये आपका स्कूल का इंटरनल जो एग्ज़ाम होता है, तो ये 30 मार्क्स आपको स्कूल की तरफ से मिलते हैं, और ये टोटल आपका जो रिटन है वो 70 मार्क्स का होता है। तो ये आपका पूरा डिस्कशन हो गया है ग्रामर के पोर्शन का। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।